बड़वानी जिले के ठीकरी के समीप सीमापस्त ग्राम रेलवा खुर्द की आयनोक्स कंपनी के चार श्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे। पूर्व में भी कंपनी सुर्खियों में रही है। मजदूर उमेश परिहार ने बताया कि कंपनी द्वारा उन लोगों को ट्रांसफर अन्य स्टे में किया गया है। मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों में हमें भेजा जा रहा है। हम क्षेत्र में ही रहकर काम करना चाहते हैं। हमारा परिवार भी मध्य प्रदेश में रहता है। हमें परिवार से दूर करने की कोशिश की जा रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सहित गुजरात राज्यों में भेजे जा रहे हैं। हमारे खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। पूर्व में भी 250 श्रमिकों के द्वारा स्ट्राइक की गई थी, जिसमें 50 मजदूरों की सैलरी बढ़ा दी गई, जिनके नाम हमारे पास चिन्हित है। इस भेदभावपूर्ण रवैये के चलते बाद में कंपनी द्वारा हम चार लोगों के खिलाफ चिन्हित कर हमारे ट्रांसफ़र किए गए, जिसके चलते हमें भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। बाकी लोगों को डरा कर रखा गया है, प्रताड़ित किया जाता है। कुछ लोग सामने खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने SDM राजपुरम जिला कलेक्टर के पास भी गए थे। SDM के द्वारा कंपनी से बात कर आश्वासन दिया था और लोकल श्रमिक लोकल में ही काम करेंगे। इस बात पर लिखित आश्वासन SDM वीर सिंह चौहान द्वारा दिया गया था, जिसके बाद भी आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं कंपनी मैनेजमेंट ने मीडिया से कोई बात करने से इनकार कर दिया। SDM वीर सिंह चौहान से चर्चा में उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि हम तथ्य को समझेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। नवरात्रि पर्व के शुभारंभ हो चुका है। नगर में पांडालों में माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी है। वहीं 9 दिनों तक श्रद्धालुओं के द्वारा माता की आराधना की जा रही है। साथ ही नन्ही बालिकाएं महिला द्वारा गरबे पांडालों में गरबे की शानदार प्रस्तुतियां दी जा रही है। ठीकरी नगर की चौपाटी पर स्थित अनुपम गारमेंट के समीप नवरात्रि गरबा महोत्सव के दौरान महाराज का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिदिन क्षेत्र से आए कलाकारों के द्वारा अपनी कला के माध्यम से शानदार प्रस्तुति देकर दाद बटोरी जा रही है। गुरुवार की रात्रि को सनावत से आए सिद्ध विनायक गरबा रास मंडल के कलाकारों के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान नगर की महिला पुरुष आयोजन देखने का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं दोपहिया वाहन और भीड़ पर काबू पाने के लिए नगर का पुलिस बल तैनात रहा। ठीकरी से सुरेंद्र वर्मा की विशेष रिपोर्ट। बड़वानी जिले के सेंधवा ग्रामीण थाना अंतर्गत चाचरिया में सकल हिंदू समाज के द्वारा एक आवेदन सौंपा गया है। आवेदन में बताया है कि मां दुर्गा के बारे में संतोष आर्य नामक युवक ने अभद्र टिप्पणी की है, जिस पे कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया है। शब्दों से कि फेसबुक एवं व्हाट्सएप स्टेटस पर अशोभनीय टिप्पणी की गई है, जिससे संपूर्ण सकल हिंदू समाज धनोरा एवं चाचरिया ग्राम की सभी भक्तगणों और की भावनाओं को ठेस पहुंची है। लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था को आहत किया गया है। अतः श्रीमान उक्त व्यक्ति को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर उचित दंडनीय कार्रवाई कर FIR दर्ज करने के संबंध में यह ज्ञापन आवेदन दिया जा रहा है। भारतीय किसान संघ तहसील इकाई पार्टी ने स्थानीय 9 सूत्र मांगों को लेकर DM के नाम नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पार्टी भारतीय किसान संघ तहसील इकाई पार्टी ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर के नाम स्थानीय 9 सूत्र मांगों को लेकर नायब तहसीलदार संजय चौहान को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के प्रांत उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार ने बताया कि ग्राम तुवरखेड़ा में शासकीय स्कूल खोला जाए, साथ ही संबंधित ग्रामवासियों को अन्य शासकीय योजना का लाभ भी दिया जाए। विभिन्न वन ग्राम में खोती नामांतरण नहीं हुए, वहीं किसानों के सामताली खाते है उनके नाम सर्वे नंबर सहित सूची की प्रमाणित उपलब्ध कराई जाए। तहसील के सभी वन ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन कर वन विभाग की जमीन को राजस्व में काबिज कर पावती बनाई जाए। ग्राम पंचायत गारा व सेमलेट में कई सालों से ग्राम सभा नहीं हुई, उक्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन कराई जाए। कृषि सेवा केंद्र व शासकीय सहकारी संस्था में बीज खाद के मूल्यों का चार्ट लगाया जाए। खेरवानी व भानिज कुंड में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत मार्ग निर्माण करवाया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना की संपूर्ण जानकारी सभी ग्राम पंचायतों में चस्पा की जाए। ग्राम भानिज कुंड में पेयजल संकट होने से हेडपंप खनन किया जाए। ग्राम भानिज कुंड के 2 फलियों में स्कूल के भवन नहीं होने से घर में स्कूल संचालित की जा रही है, यहां पर भवन निर्माण किया जाए। ऐसी स्थानीय 9 सूत्र मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर समय सीमा में निराकरण करने की मांग की है। इस पर नायब तहसीलदार संजय चौहान ने कहा कि संबंधित को ज्ञापन प्रेषित कर दिया जाएगा। इस दौरान तहसील अध्यक्ष कैलाश खरते समेत अन्य किसान मौजूद रहे।